Hello students, so in this video we are going to discuss the NCERT question answers of the ball poem, which is fifth poem of our first grade book. So the very first question is, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Intrude ka matlab hota hai interfere karna, dakhal dena. तो पोएट जॉन बेरीमैन ऐसा क्यों कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. वो ऐसा क्यों कहते हैं जिस भी सिचुएशन में वो बच्चा है मैं उसमें जाके दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा. जब उस बच्चे की बॉल उससे दूर चली जाती है वो वहीं पर खड़े रहता है एकदम, ही वॉज नॉट मूविंग एट ऑल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में है. पोएट जॉन बेरीमैन कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं नहीं जाऊंगा उसे कंसोल करने के लिए, उसे चुप कराने के लिए कि कोई बात नहीं दूसरी बॉल आ जाएगी. व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. फर्दर क्वेश्चन सेज, पोएट जॉन बेरीमैन जब वहां पर थे सिचुएशन में उन्होंने उस बच्चे को थोड़े पैसे क्यों नहीं ऑफर किए कि कोई बात नहीं दूसरी बॉल खरीद लेना यार, एक बॉल ही तो थी. उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे वो बच्चा अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे जो हर इंसान को एक ना एक बार सीखना पड़ता है कि इस दुनिया में रिलेशनशिप्स और चीज़ें जो भी आपके करीब हैं वो आपसे दूर जाएंगी ही. दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. और आपको उस दुख को पकड़ के बैठे नहीं रहना है, लाइफ गोज ऑन, सो यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ. यही लेसन पोएट उस बच्चे को सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस सिचुएशन में कोई दखलंदाजी नहीं दी, ना ही उस बच्चे को कंसोल करने की कोशिश करी. तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है. द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड सो दैट द बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस. द लॉस हियर मीन्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स और रिलेशनशिप्स. पोएट उस बच्चे को इंट्रूड नहीं करना चाहते थे, उस सिचुएशन में दखल नहीं देना चाहते थे, बिकॉज ही वॉन्टेड हिम टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. उस बच्चे को लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन से हर एक बंदा अपनी लाइफ में गुजरता है. तो अब वो समय आ गया है कि बच्चे को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी. और यहाँ पर लॉस का मतलब है मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर आपके रिलेशनशिप्स. कोई भी लॉस हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपसे दूर चली जाए या कोई रिलेशनशिप टूट जाए, मतलब कोई भी रिलेशनशिप में आपसे दूर चले जाए, मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो उस लॉस को लेकर उस ग्रीव को लेकर बैठे नहीं रहते हम लोग, है ना. वी मूव ऑन इन लाइफ, राइट. तो यही लेसन पोएट उस बच्चे को सिखाना चाहते थे, दैट्स वाई ही डिडंट इंट्रूडेड ऑन हिम. ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? तो यहाँ पर आपको पोम की एक लाइन गिवन है, ऑल हिज डेज इनटू द हार्बर. तो आपसे सवाल किया गया, आपको क्या लगता है कि उस बच्चे के पास वो बॉल काफ़ी समय से थी क्या? क्या उस बच्चे ने उस बॉल के साथ काफ़ी स्वीट मेमोरीज स्पेंड करी हैं क्या? क्या उस बच्चे की बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ? येस, वी कैन से दैट. हाँ, उस बच्चे की बचपन की काफ़ी सारी यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि ये लाइन खुद ही बता रही है ये चीज़. All his young days into the harbor. उस बच्चे के बचपन के जितने भी दिन थे वो सब बॉल अपने साथ लेकर जा चुकी है, क्योंकि उस बच्चे की उस बॉल के साथ काफ़ी सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज होंगी. अब वो बॉल भी पानी में चली गई तो वो सारी मेमोरीज ख़त्म हो गई, इसलिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है. Yes, we can say that the boy had the ball for a very long time. The line itself describes how the boy recalls those days when he used to play with the ball was surely linked to some sweet memories of his playing with the ball. वो ball definitely बच्चे के साथ काफ़ी समय से होगी. वो line खुद ही बता रही है, all his young days into the harbor.
बच्चे के बचपन के सारे दिन सीधा पानी में, मतलब कि उस बॉल से एसोसिएटेड बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज होंगी उस बच्चे की। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियरली बताती है उस बच्चे के पास वो बॉल काफ़ी समय से है, इवन बचपन से ही। बचपन में वो उस बॉल के साथ खेलता होगा, बट अब वो बॉल पानी में जा चुकी है। उसकी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज जो भी उस बॉल से एसोसिएटेड थी, बॉल अपने साथ लेकर जा चुकी है। दैट्स वाई ही इज़ वेरी सैड। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, वॉट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन का क्या मतलब है? मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये आपको एक फ्रेज गिवन है, इसका मतलब बताना है। पोजेशंस का मतलब है मटेरियलिस्टिक चीज़ें। ओके, सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। दुनिया मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भरी पड़ी है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में लग्जरी और कंफर्ट लाती हैं। सो हमें एक फ्रेज़ का ही मतलब बताना था, छोटा सा आंसर था, तो यही यही है इसका आंसर। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट लाती हैं, लग्जरी लाती हैं, उन्हीं को बोला गया है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनी थिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। आपको क्या लगता है, ये जो बच्चे की बॉल चली गई उससे दूर, इससे पहले क्या ज़िंदगी में उसने कोई और लॉस देखा था? सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ पहले। ये पहली बार था जब उसकी कोई प्यारी चीज़ उससे दूर गई है। पोम में एक लाइन थी, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पहली बार कोई चीज़ उससे दूर जा रही है, अब उसको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी कि जो भी चीज़ आपको प्यारी है, आपको पता है जब वो दूर जाएगी तो आपको दुख होगा, तो आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो आपसे दूर ना हो। तो ये पहली बार था कि बच्चे ने अपनी कोई प्यारी चीज़ खोई है। सो द लाइन इन द पोम, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प्स अस टू नो दैट बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनी थिंग बिफोर। उस बच्चे ने इससे पहले कुछ भी नहीं खोया, ये बॉल ही पहली चीज़ थी, उसकी प्यारी चीज़ जो उससे दूर जा रही थी, दूर चली गई थी इवन। तो अब उस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अब वो समय आ गया है जब उसे लाइफ का एक हार्श लेसन सीखना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट डज द पोथ से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन है कि पोइट क्या कहना चाहते हैं, वो बच्चा उस बॉल के जाने से क्या सीख रहा है? तो उस बॉल के जाने से बच्चा ये सीख रहा है कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में कई सारी चीज़ें, कई सारे रिलेशनशिप्स आपसे दूर जाएंगे, बट यू हैव टू ओवरकम दैट ग्रीफ, यू हैव टू ओवरकम दैट सॉरो, एंड यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। इतना सा लेसन है जो पोइट जॉन बेरीमैन उस बच्चे को साथ साथ में हमें भी देना चाहते हैं। सो द पोइट मीन्स दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। ही विल लर्न हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ डिस्पाइट ऑफ इनकरिंग हेवी लॉसेज। एवरी वन एक्सपीरियंसेस दिस इन हिज और हर लाइफ वेन दे लूज आइदर समथिंग और सम वन। दिस हार्श रियालिटी दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक मेक पीपल स्ट्रांग इनफ टू लिव देयर लाइफ बाई एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ देयर लाइफ। तो पोइट उस बच्चे को एक जिंदगी का सच सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस सिचुएशन में कोई दखल भी नहीं दिया। जब वो बच्चा एकदम स्टिल खड़ा था, जब उसकी बॉल उसके हाथ से फिसल कर पानी में गिर गई थी, बिकॉज पोइट वॉन्टेड हिम टू लर्न द ट्रूथ ऑफ हिज लाइफ। अब वो बच्चा सीख लेगा कि ज़िंदगी में अगर आपसे कोई चीज़ दूर चली जाए तो उस दुख को लेकर बैठना नहीं है, हमें लाइफ में मूव ऑन करना है। नाउ दैट बॉय विल लर्न टू बियर लॉसेस, जो हर इंसान को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। या तो आप किसी को खोएंगे, मतलब किसी रिलेशनशिप को, या फिर किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को। सो यू हैव टू बेयर लॉसेज इन लाइफ, एंड दिस इज़ हार्श रियालिटी जो उस बच्चे को भी सीखनी पड़ेगी और हमने भी सीख ली है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और सत्य यही है कि चीज़ें आपसे दूर जाएंगी और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते हो। दिस इज़ द ट्रूथ।
और आप इसे एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ें, दैट्स इट। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी भी आपको कोई डाउट है चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर्स में, तो उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।